Hello, Mama Dafan. Mama Dafan Ali. Hello. अस्सलाम वालेकुम। आप सब भाई बहनों को मेरा सुबह का सलाम। इस टाइम तकरीबन सुबह के 11 बजे हैं और हम लोग अभी तक हॉस्पिटल में हैं। मेरे घर माशाल्लाह से मेरा पोता हुआ है, तो अपना जहरा का भाई हॉस्पिटल ले ही देखा। ये है मेरा छोटा सा मुन्ना। आपको नाम कैसा लगा छोटे का? मेरे पोते का नाम कैसा लगा आप सबको बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैंने वीडियो अपलोड की है कल, उम्मीद है आपने देखी होगी, क्योंकि मेरा कल पूरा दिन अस्पताल में रहा। कल 8:30 बजे अल्लाह ने मुझे मेरे पोते से नवाजा है, तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि कल हम लोग एक अस्पताल से दूसरी अस्पताल, दूसरी अस्पताल से तीसरी अस्पताल में चक्कर काट रहे थे, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो अल्लाह का एहसान, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि माशाल्लाह से कुछ बेहतर हुआ है कि हम लोग आ गए इसकी मामा के पास। क्योंकि कल वहाँ जिना बच्चा वार्ड में गए थे इमरजेंसी में, फिर कार्डियो गए थे हम लोग, और इसकी दिल का मसला हो रहा था, फिर कार्डियो गए, फिर वहाँ पर दिखाया इमरजेंसी में, तो तब जाके फिर कुछ तसल्ली जब उन्होंने दी तो हम लोग वापस आ गए लेकर इसको। तो आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी तरफ खैर करे। जो भी यहाँ पर जच्चा बच्चा है अल्लाह पाक उन सबको सेहत वाली ज़िंदगी और खैर खैरियत से अपने घर को जाए, आमीन। तो रहिएगा साथ साथ इंशाल्लाह, शेयर करेंगे जो भी है यहाँ पर हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये है इनकी, ईसीजी रिपोर्ट। इस हॉस्पिटल का नाम है बख्त भरी। ये जो है आज़म टाउन में, आज़म बस्ती है कि आज़म टाउन है, अजीम टाउन है, इस इलाके में है, और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और जो भी मतलब इस इलाके के लोग हैं उनके लिए तो सहूलत है, हमारे को भी बहुत नज़दीक पड़ता है, लेकिन इसलिए कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर्स हैं, मैडम सलीमा हैं, डॉक्टर शाजिया हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो यहीं पर ही आते हैं बच्चों को लेकर, यहीं पर ही जो है हमारी बहू बेटियां आती हैं। तो हमारे माशाल्लाह से अफनान जहरा और शमजा फातिमा और आफान अली, ये भी खैर से अब यहीं आया, तो यहीं पर ही आते हैं सब बहू मेरी। बस अल्लाह रखे सबको, अच्छा नाम मेरे अल्लाह का है, वही मालिक है, वही पालनहार है, वही बख्शने वाला है, तो इंशाल्लाह उसी का ही आसरा रहेगा हमेशा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर मैं आपको अस्पताल का विज़िट कराती लेकिन यहाँ पर कैमराएं लगी हुई हैं तो अच्छा नहीं लगता, सीसी कैमरा लगी हुई है अच्छा नहीं लगता था, नहीं तो मैं आपको यहाँ की सफाई सुथराई दिखाती कितनी अच्छी है।
जहाँ सफाई सुथराई होती है वहाँ बीमारियाँ कम होती है। अस्पताल में ही है और हम रात को जाएंगे घर, रात को हो जाएगी छुट्टी इंशाल्लाह। आप सबकी दुआओं के साथ ये अस्पताल बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, सफाई सुथराई और मतलब कोई गंदगी नहीं है, स्टाफ बहुत अच्छा है और मतलब डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं और बच्चों वाला डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ना करे कि किसी को भी डॉक्टरों की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये है कि ये दुनिया का दस्तूर है, जब अस्पतालें हैं तो डॉक्टर भी होंगे। तो ये हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम बैठे हैं, मेरा ये सो रहा है पोता, मेरा सो रहा है। तो अपनी दुआ में रखिएगा यार, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत शुक्रिया। और अपनी दुआ में रखिएगा यार, तो मिलेंगे इंशाल्लाह जब घर पे पहुँचेंगे और सुबह को नई वीडियो के साथ आपके साथ। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दुआएं की और मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, शादाबाद रखे, दिन के जितनी भी तकलीफ ना हो आपको अल्लाह पाक अपने जमान रखे। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे सारे भाई बहन भी जिंदाबाद।